press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, this is Krishnakant Singh. This is Shilpa Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. तो गाइस एक एक्चुअली में आज हम बोल ही सकते हैं कि वर्मा इसकी वीडियो ये है रक्स प्रोडक्शन की वीडियो और ये जिस चैनल से अपलोड होती है कौन सा चैनल हो रिहान मोहम्मद रिहान के चैनल से अपलोड होती है जो कि वर्मा इसकी वीडियो शूट करते हैं है ना तो उनका ये खुद का चैनल है मेरे को हम लोग को ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है आप लोग क्लियर करना अगर आपको मालूम हो तो क्लियर कर सकते हो ये अवर माइंड से चलो ठीक है अवर माइंड की रक्स प्रोडक्शन दोनों को बोला जाता है एक ही है लेकिन फिर दो अलग अलग चैनल क्यों है ये थोड़ा कृष्णा व्यूज और शिल्पा व्यूज को बोला जाता है एक ही है तो दो अलग चैनल की है समथिंग वैसा ही है यार मैं बताऊँ क्या सीन है वो रिहान का जो चैनल है उसमें वो शायद थोड़े सीरियस वीडियोस डालते होंगे या ब्लूपर्स वगैरह डालते हैं अवर वाइंस के ब्लूपर्स आते हैं वहाँ पे ब्लूपर्स वगैरह आते हैं और अवर वाइंस की जो मेन चैनल है अवर वाइंस उसमें कॉमेडी वीडियोस आती हैं चलो देख लेते हैं और ये जो वीडियो का नाम कुछ इस तरीके का है टेस्ट बिफोर मैरिज फॉर थैलेसीमिया ये बहुत सीरियस टॉपिक है ये और मैसेज भी आने वाला है इससे और क्या लिखा है इंस्पिरेशनल शॉर्ट फिल्म मतलब ये शॉर्ट फिल्म बनाई है इंस्पिरेशनल मतलब रियलिटी भी हो सकती है किसी के साथ शायद हुआ हो रियल स्टोरी होता है यार ये बहुत मेजर है हमारे स्कूल में भी टेस्ट होता है मैंने भी देखा था हमारे स्कूल में टेस्ट वेस्ट तो होता ही रहता है लेकिन मैंने भी अपने पास मतलब हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे भी एक लड़का था जिसको थैलेसीमिया का वो था तो उसमें ये होता है कि हमारे बॉडी में खून प्रोड्यूस नहीं होता खून नहीं बनता हमारी बॉडी के अंदर चाहे तुम कितना भी खाना खा लो या कुछ भी हरी सब्जी खा लो आपकी बॉडी में खून नहीं बनेगा तो उसको क्या होता है कि उसको हर 15 डेज में हॉस्पिटल जाना होता है उसको ब्लड चढ़ता है हर 15 डेज ये बहुत डेंजरस बीमारी है तो वही है कि ऐसे लोगों की हमें हेल्प करना है इसलिए तो बोलते हैं कि यार ब्लड डोनेट करो है ना तो अभी इतना बात नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को देखते हैं उसके बाद हमारे माइंड में और भी बहुत कुछ आएगा तो एंड तक देखो इस वीडियो को काफी इसको ये हॉस्पिटल वालों ने वो किया है स्पॉन्सर ऐसा लग रहा है स्कूल से लाया गया उसको CEOS यूनिवर्सिटी स्प्रेड कलर्स इन्होंने बाहर मतलब वहाँ शूटिंग की है ना हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली ये ब्लड के लिए गया होगा है ना ब्लड बैंक टाइप होगा शायद वो लग रहा है क्योंकि नाम से अपने दोस्त के पास गया ब्लड के एक फ्रेंड आया इसका डॉक्टर साहब मेरी बेटी की हालत कैसी हो आपका बेटा पहले से काफ़ी बेहतर है लेकिन आपके बेटे को थैलेसीमिया मेजर है थैलेसीमिया मेजर थैलेसीमिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो माँ बाप से आगे बच्चों को मिलता है लेकिन मैं और मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक है फिर कैसे थैलेसीमिया माइनर बज़ाहिर तो लोग बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं लेकिन अगर दो थैलेसीमिया माइनर की शादी हो जाए तो एक थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है जिनको हर 10-15 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत होती है तो क्या ये इसलिए हुआ कि मैं और मेरी बीवी थैलेसीमिया माइनर है ये तो हमें स्कूल में बताया गया था बड़ा होकर अपने मुल्क का नाम
क्या लिखा था, गेट ये हमारे यहाँ पे एक कोई बहुत छोटी मतलब कोई बहुत बड़ी बात बहुत छोटी वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करनी है ना, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। और इसमें ये भी ये है कि मतलब हम लोग ने ये चीज़ हमारे यहाँ पे ऐसे बोला जाता है जैसे शादी से पहले कुंडली वगैरह मिलाई जाती है, तो काफ़ी लोग का ये भी स्टेटमेंट मैंने सुना है कि शादी से पहले कुंडली मत बनाओ, कुछ टेस्ट करवा लो, है ना, मैरिज से पहले, ताकि आप लोगों की जो फ्यूचर हो वो इस तरीके का ना हो, और इससे पहले भी हम लोग बच सकते हैं। तो आई थिंक कुंडली मिलाने से ज़्यादा, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि लव मैरिज में क्या पहले टेस्ट करोगे फिर प्यार करोगे? नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट करा लेना चाहिए यार, टेस्ट कराने से एटलीस्ट ये पता चल जाएगा, और जब ये पता चल जाएगा ऐसा कुछ है उसके बाद भी अगर शादी करने का डिसीजन ले रहे हैं तो आई थिंक फिर उनको ये भी ये सोचना चाहिए कि और उसके प्रिस्क्रिप्शंस होंगे ना कुछ, कि ऐसा ना हो उसके भी। हाँ, उसके बाद डॉक्टर को मिल सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, या फिर अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो शायद आप लोग फिर बेबी अडॉप्ट करने का सोचो, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस तरीके की लाइफ किसी बच्चे की हो वो देखा ही नहीं जाएगा यार, कि उसको हर 10-15 दिन में खून चढ़ाया जाएगा, और इतना खून मिलना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक ही ब्लड, क्योंकि आजकल के जमाने में कोई ब्लड बैंक कम लोग इतने हेल्दी होते हैं, ब्लड बैंक जो होता है वो इतना खून देता है, तो उसके बदले में हमको भी ब्लड वहाँ पे डोनेट करना तो पड़ता है, यूनिवर्सिटी से किसी बच्चे को मतलब लेके आए। हाँ, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होंगे उनको तो इजीली मिल जाता है, लेकिन फिर भी खून की कमी पड़ती है यार। अब उसमें भी अगर किसी का बहुत रेयर ब्लड ग्रुप हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम इंसानों ने कितना भी डेवलपमेंट कर लिया, कुछ भी कर लिया, हम कहाँ कहाँ तक नाम तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेकिन आज तक खून नहीं बना पाए, ठीक है, तो वो सब चीज़ जो है वो हमारी बॉडी ही बनाती है, तो हमारी बॉडी हमारे लिए कितना काम करती है, हमें भी हमारी बॉडी के लिए करना चाहिए। नहीं, इसी से अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा कोई सोल्यूशन, क्योंकि हमें पता नहीं इसका सोल्यूशन अगर नहीं है तो ये रिस्क लेना ठीक नहीं है, इससे सब बेबी अडॉप्ट वगैरह कर लो, तो उससे ये भी होगा कि आप एक जो अनाथ बच्चा है उसको भी एक माँ बाप मिल जाएंगे, और एक तरीके से आप किसी ऐसे बेबी को नहीं जन्म दोगे जो कि ये थैलेसीमिया से वो, तो उसकी भी लाइफ बच जाएगी और आप लोग भी खुश रहोगे। लेकिन सबसे पहला जो है कि ये नौबत ही ना है, इससे पहले टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है ना, जो इसके थ्रू मैसेज दिया कि अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है ना, तो बस यही है वीडियो के अंदर, और तो कुछ इतना वही मैं बोल रही हूँ ना, छोटी सी बात को कैसे एक्सप्लेन करना है, मतलब बड़ी बात को कैसे छोटी वीडियो में एक्सप्लेन करना है, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और मतलब 2 मिनट में इन्होंने पूरी बात, हमने एक टॉय वाली वीडियो भी की थी उसके अंदर भी वो लोग मतलब ऐसे इतने क्रूशियल मुद्दे लाते हैं ना ये लोग, और ये बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये लोगों को पता नहीं चलता, वो लोग बोलेंगे मैं तो माइनर था, माइनर मेरे हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारे बच्चों कैसे हो गए थे, तो वो चीज़ के लिए एजुकेशन थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, और इतनी बेसिक बेसिक चीज़ है तो 11-12 की बुक्स में ऐड कर देना चाहिए कंपलसरी, कि बच्चे वहाँ से पढ़ के उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए अच्छे से, है ना, और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डालने चाहिए थैलेसीमिया से रिलेटेड, जो कि बेसिक चीज़ें हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी तो बहुत मतलब मिल जाती है, भगवान दे ही देते हैं किसी ना किसी को, लेकिन हम अपने आप को जितना बचा सके, जितना प्रिवेंट कर सके अपने इन्वायरमेंट के आसपास के लोगों को, उतना हमको अपनी कोशिश तो अपना तो 100% देना ही चाहिए, है ना, तो बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्चुअल में हम लोग इनका बहुत जल्दी इंटरव्यू लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो अगर आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग फ्यूचर में इंटरव्यू देखें, और वो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं और मज़ेदार हो, अच्छे से क्वेश्चंस लें, ताकि आप लोगों को मज़ा, हाँ बहुत कुछ आप लोगों को भी नहीं पता होगा वो हमारे इस इंटरव्यू के थ्रू शायद आप लोग को पता चले, तो बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ये इनका भी न्यू चैनल है, न्यू नहीं है चैनल तो ओल्ड है, लेकिन अगर हम लोग ओवरमाइंस की वीडियो पे ही रिएक्शन करते थे, लेकिन आज हमने नेक्स्ट प्रोडक्शन की वीडियो पे भी रिएक्शन किया, तो इनका चैनल पे विजिट करो, और वहाँ से भी अगर कोई अच्छी वीडियोस हो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो आप लोग हमें जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, हमें खुशी होती है कि हमारे चैनल बड़े चैनल से, मतलब बड़ा नहीं है इतना, लेकिन एक मीडियम चैनल से देख लो आप लोग, देखो एक मीडियम चैनल से अगर हम लोग कुछ हेल्प कर पाए, कुछ हमारे थ्रू भी एक अच्छा मैसेज आ पाए, तो हम लोग जरूर
ट्राई करेंगे इस सारे चीज करने का। मस्ती मजाक तो बहुत होता है, कभी कभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करना चाहिए। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस।